से बाहर अगर जा
जाएंगे भावों का होगा कोई नरक्ष जो उच्च भावों का होगा कोई नरक्ष जो उच्च भावों का होगा कोई नरक्ष जो उच्च भावों का नीच रागों से हृदय उजड़ जाएंगे नीच रागों से हृदय जाएंगे दिल के उच्च बल पर सारे मर जाएंगे दिल के उच्च बल पर सारे मर जाएंगे तेरे असरों से बाहर हर जाएंगे होगी हितकारियों की शक्ल ना पसंद होगी हितकारियों की शक्ल ना पसंद होगी हितकारियों की शक्ल ना पसंद और खुशी से दुश्मनों के घर जाएंगे और खुशी से दुश्मनों के घर जाएंगे असरों से बाहर अगर जाएंगे दिल के उच्च बल बले सारे मर जाएंगे दिल के उच्च बल बले सारे मर जाएंगे तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे अच्छी पूंजी को बर्बाद कर जाएंगे अच्छी पूंजी को बर्बाद कर जाएंगे दिल के उच्च बल बले सारे मर जाएंगे दिल के उच्च बल बले सारे मर जाएंगे तेरे असरों से पागल अगर जाएंगे जाएंगे तेरे पर भाव जिन
प्यार भाव जिन जिन को मिल जाएंगे उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे, उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे, दिल के उज्ज्वल बल सारे भर जाएंगे, दिल के उज्ज्वल बल सारे भर जाएंगे, तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे। मैं कल भी सोच रही थी कि कल मौसम साफ था और आज बारिश हो गई। अगर हम आदि काल में होते तो हमें ये समझ ही नहीं आनी थी कि ये कल मौसम साफ था तो आज ये बादल कहाँ से आ गए, ये भूचाल कैसे आता है, या ये चांद सितारे इनकी रोशनी क्या है, ये जो सूरज है ये दिन में चमकता है और रात को ये सूरज कहाँ चला जाता है। ये अनेक सवाल मनुष्य के जीवन में पैदा होने लगे। आदिकाल में मनुष्य की जो समझ थी वो बहुत ज़्यादा वो विस्तार में नहीं थी, ना उसके भावों का विस्तार हुआ था, इसलिए उसको इनका सही उत्तर नहीं मिल पाता था। उसके पास सवाल तो थे लेकिन जवाब नहीं था। गोल्डन एज में आके, जिसको रोमन सभ्यता कहा जाता है, जो आजकल नष्ट हो चुकी है, उसमें मनुष्य को पहला उत्तर मिला कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे मेरा भाग्य क्या है, मैं क्या करता हूँ। वो उसको क्या जवाब मिला, वो ये जवाब मिला कि मनुष्य वही है जो उसकी किस्मत है। लेकिन ये किस्मत क्या है, किस्मत के बारे में कहा गया कि किस्मत इज़ प्री डेस्टिन, डेस्टिनी इज़ प्री डेस्टिन्ड, कि ये पहले से लिखी जा चुकी है, जिसके ऊपर बहुत से धर्म जो हैं हमारे 99% धर्म इसी के ऊपर, इसी शिक्षा के ऊपर बेस्ड हैं कि जो हमारी किस्मत है वो पहले लिखी जा चुकी है और उसी किस्मत का फल भोगने हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिमाग का विस्तार हुआ, भावों का विस्तार हुआ, तो एक और सोच आई कि ये किस्मत क्या है। तो ये नेक्स्ट जो स्टेप इस कोर्स में आया वो ये आया कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कि हमारी किस्मत क्या है, हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारी डेस्टिनी है। इसका क्या मतलब कि हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। जो पहली सोच है उसके मुताबिक है कि हम अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकते, हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, ये उसकी दूसरी सोच उसके दिमाग में आई और उसको ये इस प्रश्न का उत्तर ये मिला। उसके बाद उसको एक और उत्तर मिला, जैसे जैसे उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता गया, वो उसको ये उत्तर मिला कि जो डेस्टिनी है दैट इज सोशल, कि हम सोसाइटी में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब कोई चीज़ भी चाहिए, अगर किस्मत पहले नहीं लिखी गई तो उसको कौन बदलेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लिखी हुई किस्मत अगर वो नहीं है तो उसको कौन बदलेगा, उसको उसकी सोसाइटी बदलेगी, जैसी सोसाइटी है वैसा उसका कैरेक्टर है। आधुनिक युग में एक और ये जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक साइंटिफिक इसकी खोज की, वो ये खोज की कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उसका उन्होंने एक जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो मेरा इनहेरिटेंस है, मुझे जो मेरे माँ बाप से मिला है मैं वही हूँ, मुझे जो मेरे पूर्वजों से मिला है मैं वही हूँ, और मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर बदल सकता हूँ, मेरे पास एक एनवायरमेंट है, मेरे पास घर का एनवायरनमेंट है, मेरे पास सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, मेरे पास इंस्टीट्यूशंस का एनवायरनमेंट है, मेरे पास मेरे देश का एनवायरनमेंट है, मेरे पास वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, मैं उसमें अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, जो मुझे किस्मत जो उसको उसके इनहेरिटेंस में आई। तो ये बड़ा पचीदा सवाल था। धर्मों की जो एक दुनिया है उसमें ये विश्वास के योग्य नहीं था, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको इस तरह विश्वास के योग्य बनाया
कि जैसे ही हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो यही कहता है कि आपको अगर ये बीमारी है तो क्या आपके किसी भाई बहन या आपके माता पिता या आपके किसी पूर्वज को है। सबसे पहला वो क्वेश्चन यही करते हैं। हमारी सारी हिस्ट्री जो है वो यहीं से शुरू करते हैं कि अपनी हिस्ट्री बताओ। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि हम वही हैं जो हमारा लिखा गया है। वो प्रश्न आज की साइंटिफिक एज में खत्म हो गया। हम वही हैं जो हमें हमारे इनहेरिटेंस में मिला है। इनहेरिटेंस में हमें कैसे मिलता है? नौ महीने एक बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में अपना शरीर बुनता है। ये एक साइंटिफिक विधि है, एक साइंटिफिक सोच है और जिसको प्रूव किया गया है। उन नौ महीनों में वो कुछ गुण या अवगुण अपने माँ बाप से लेता है। समय पूरा होने के बाद उसका जन्म होता है और वो बच्चा अपने विकास में लग जाता है। विकास देखें, किसी भी मनुष्य का विकास देखें, किसी भी बच्चे का विकास देखें तो तीन तरह का विकास है। एक उसका शारीरिक विकास है। हम ये मान के चलते हैं कि जो छोटा बच्चा है जब वो बहुत छोटा है तो वो बिस्तर पे टांगे मारेगा। माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अब दो महीने का हो गया वो टांगे मार रहा है। उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, माँ बाप और खुश हो जाते हैं कि आज बच्चा बैठना सीख गया। फिर वो चलना सीखता है। लेकिन कई इनहेरिटेड ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वही बच्चा जो इनहेरिटेड कुछ दोष लेके पैदा होता है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, जो उसको उसके इनहेरिटेंस में आती हैं। जो जिस बच्चे को बैठना चाहिए वो टांगे मारता है, जिसको भागना चाहिए वो बैठा रहता है, और जिसको कोई और दिमागी काम करने चाहिए वो कुछ नहीं कर पाता। ये उसकी इनहेरिटेंस का दोष उसके साथ पैदा हो गया। इसी तरह वो मानसिक ग्रोथ में लग जाता है, धीरे धीरे तुतला बोलता है। हम माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तुतला बोल रहा है, इसने बोलना सीख लिया है। किसी माँ बाप को दुख नहीं होता कि वो बच्चा तुतला बोल रहा है, इसकी आवाज़ क्लियर नहीं है, इसकी बात हमें समझ नहीं आ रही। वो खुशी से उसको समझने की कोशिश करती है और जैसे बड़ा हो जाता है वो लैंग्वेज का विद्वान बन जाता है, वो लैंग्वेज में मास्टर्स करता है और नोबेल प्राइज तक लेता है। लेकिन कई हालात में वो जो ABC हमारी जो सबसे छोटी इकाई है उसको भी वो बच्चा जान नहीं पाता, क्योंकि कुछ इनहेरिटेड दोष उसके अंदर आ जाते हैं। उसी तरह माँ बाप से हमें आध्यात्मिक गठन भी मिलती है। हम दो बातों के ऊपर ही रुक जाते हैं जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एक उसका शरीर और एक उसका दिमाग। लेकिन यहाँ पर हम तीसरी जो उसका इनहेरिटेड गुण उसको मिले या कुछ अवगुण मिले उसके बारे में बात करेंगे कि जो उसको आध्यात्मिक गठन आई उसमें उसके अंदर कुछ दोष आते हैं, कुछ गुण आते हैं। सात्विक माँ बाप के जो बच्चे हैं उनके अंदर सात्विक गुण आ जाते हैं। जो कुछ नीच घृणाकारी नीच जीवनधारी माँ बाप हैं वो अवगुण उनके साथ शुरू से ही उन बच्चों में पैदा हो जाते हैं, और उनको वो बढ़ते कहाँ हैं, वो एक एनवायरनमेंट में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एनवायरनमेंट की बात मैं इसलिए करती हूँ कि बिना एनवायरनमेंट के मनुष्य की ग्रोथ नहीं होती, और जो सबसे पहला एनवायरनमेंट है वो हमें हमारे माँ बाप का मिलता है। श्रद्धेय PV कन्नल जी ने एक घटना लिखी है कि वो कहते मैं कुछ लिख रहा था कि मेरे बच्चे, मेरा एक बड़ा बेटा मेरे पास भागा भागा आया। उसने कहा बाबा बाहर जो एक पपीज़ हैं कल बच्चे दिए हैं तो उनमें से एक बच्चा जो रात मर गया था उसकी माँ उसको खा रही है। तो श्रद्धेय कन्नल जी कहते मैं भागा भागा गया और कहते वो उस दृश्य को देखकर मैं इतना विचलित हो गया कि सचमुच उस पप्पी की माँ उस बच्चे को खा रही थी। तो वो तो एक थिंकर थे, एक फिलोसोफर थे। कहते मेरे एकदम मन में आया कि जो माँ बाप हैं वो भी आध्यात्मिक आदमखोर हो जाते हैं। वो कैसे आदमखोर हो जाते हैं कि वो बच्चों के उन अवगुणों को बढ़ावा देते हैं जो नहीं देना चाहिए। मेरे पास एक हमारे कोई बहुत नज़दीक के थे, उनके साथ मैं कहीं गई हुई थी। वो बड़े अपने बच्चे से परेशान हो गए। परेशानी देखिए किस बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा हॉस्टल में है, मैं इसको नॉन वेज इसके फूड में लिखवा के आती हूँ, और जैसे ही हम नीचे आते हैं पहाड़ से उतरते हैं ये वेजिटेरियन बन जाता है। तो अब वो बच्चे में कैसी हैबिट डेवलप करना चाहती है एक माँ नॉन वेजिटेरियनिज्म की, और बच्चे के अंदर कैसा कोई गुण आ गया कि उसको वेजिटेरियन फूड अच्छा लगता है। तो कहते इसकी तो जिस्म बन ही नहीं सकता, इसकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। कन्नल जी ने ऐसे माँ बाप को आध्यात्मिक आदमखोर का नाम दिया है जो अपने बच्चों को ऐसे नीच भाव, नशे, स्वाद अनुराग, जो देश समाज की भाषा में नीच अनुराग जिनको कहा जाता है, वो बचपन में ही बढ़ावा देने लग जाते हैं। और यही बच्चा जब फिर एनवायरनमेंट में जाता है तो और ही उसका रूप बन जाता है।
आपने क्राइस्ट की फोटो देखी होगी जो चर्च में लगी होती है, क्राइस्ट अपनी माँ की गोद में है, वो बड़ी खूबसूरत फोटो है। तो वो हर चर्च में तकरीबन क्राइस्ट और उसकी मदर की फोटो लगी है, और जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं वो उसको उसकी माँ और क्राइस्ट बताते हैं। इसकी जो फोटो थी, माइकल एंजेलो ने कहा कि मैं एक फोटो बनाऊं जिसमें, ये उस जमाने की बात है जब फोटोग्राफी नहीं थी, पेंटिंग्स होती थी, ये डेवलप नहीं हुई थी। उन्होंने एक बहुत प्यारा बच्चा देखा और एक बहुत खूबसूरत माँ देखी, उन्होंने उसकी फ़ोटो बनाई, और जब वो फ़ोटो बन गई, वो बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, आप सब ने भी देखी होगी, और वो उनके रिलीजन का एक पार्ट बन गई। जब वो माइकल एंजेलो बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे एक शैतान की फ़ोटो बनानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहर में निकल गए, रोम की गलियों में घूमने लगे कि मेरे पास कोई ऐसा शैतान मिले मुझे, आदमी जिसकी मैं फ़ोटो बना सकूँ। तो किसी ने चलते फिरते बताया कि एक आदमी है जो अभी अभी जेल से छूटा है, उसका रूप इतना भयानक है कि वो जब निकलता है सड़कों पे तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसने कहा मुझे वही आदमी चाहिए। वो उसके पास गया, उसने कहा कि जो तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा, तुम मेरे स्टूडियो में बैठना है और मैंने तुम्हारी तेरी फ़ोटो बनानी है। जैसे जैसे उसकी फ़ोटो बनती गई, लास्ट में जब दिन आया, उसकी फ़ोटो पूरी बन गई, तो वो चीखे मारने लगा। वो क्यों रोने लगा, उसने पूछा, क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, या तुम थक गए, या तुम्हें कोई बीमारी है? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं वही बच्चा हूँ जिसकी फ़ोटो क्राइस्ट के छोटे रूप के में आजकल चर्च में लगती है, मैं वो माँ मरियम की गोद में जो बच्चा है वो मेरी माँ और मैं है। लेकिन एनवायरमेंट ने वो उस कोमल बच्चे की भावनाओं को ख़त्म करके, कुछ उसके अंदर जो नीच अनुराग थे उनको इतना उत्तेजित कर दिया कि वो शैतान भी वही बच्चा बन गया। ये हिस्ट्री की कथा है कि एनवायरमेंट कितना हमारे ऊपर असर करता है, और हम इस एनवायरमेंट से जा नहीं सकते। अगर हमारे नीच भाव हैं तो बिल्कुल हम एक शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे जैसे हमारी गठन, आध्यात्मिक गठन बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे हमारे आध्यात्मिक जो नीच भाव हैं वो और बड़ा रूप ले लेते हैं। तो ये जो हम शरीर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमें शरीर का बोध है कि ये मर जाता है, ये बीमारी में दुखी होता है, और शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। लेकिन जो हमारे नीच अनुराग हैं, जिसको देव समाज की भाषा में स्वाद सुख अनुराग कहा जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको फिर काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बीमारी देख के भी उससे बच नहीं सकते। हमारे एक वाकफकार थे, बड़ा उनका अच्छा दिल था, उन्होंने मदर टेरेसा के लिए लाखों रुपया दान दिया, और इंग्लैंड में वो रहते थे, लेकिन एक उनके भाव, जो नीच भाव था, वो पैदा हो गया कि वो मीठा नहीं छोड़ पाते थे, और मीठा इतना खाते थे कि उन्होंने बताया कि मैं एक डिब्बा मीठा डेली खाता हूँ और मुझे शुगर है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस जिस्म को कोई इंसान इतना प्यार करता है और उसको जो चीज़ मार रही है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। देव समाज का एक भजन है कि देख करके अपनी हानि फिर भी हूँ लाचार में, कि अपनी हानि देख के भी मैं लाचार हो जाती हूँ और दूसरे लोग लाचार हो जाते हैं। और वो एक दिन आए तो घर में कहा गया कि ये आपको क्या हो गया, आप इतने कमज़ोर। वो कहते डॉक्टर ने कहा है मेरे पास चंद दिन हैं, और साथ में मिठाई का डिब्बा था, और 8-10 दिन बाद उनकी खबर आ गई कि वो नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए और इंग्लैंड में ही ख़त्म हो गए। ये क्या है, ये हमारे नीच भाव हैं जो वातावरण में और भड़क जाते हैं। साल की थी, अचानक क्या हुआ कि वो उसके फादर एक दिन, वो यूरोप वहाँ के बादशाह थे, तो एक घोड़ा उनको किसी ने गिफ्ट किया, तो सिकंदर ने देखा पास में खड़ा था बाप के, कि घोड़े के ऊपर कोई चढ़ नहीं पा रहा, तो वो देखता रहा, समझता रहा, सिकंदर का दिमाग बहुत ज़्यादा था। तो आखिर में उसने अपने पिता को कहा कि मैं कोशिश करूँ, तो पिता ने कहा कि हाँ कोशिश करके देखो। सिकंदर ये जान गया कि ये घोड़ा जो अपनी परछाई है उससे डरता है, उसने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ कर दिया, घोड़ा शांत हो गया, सिकंदर घोड़े के ऊपर चढ़ा और वो चक्कर लगा के शाम तक, दोपहर तक वापस आ गया। ये देख के उसके पिता ने उसको क्या शिक्षा दी कि बेटा ये हमारा देश तो बहुत छोटा है, तू तो इतना लायक है, इस घोड़े पे तू काबू पा सकता है, तो तू दुनिया फतेह करके आ। तो वो सिकंदर को दुनिया फतेह करने भेजने वाला उसका बाप था। अगर वही बाप उसको किसी अच्छी डायरेक्शन में भेजता तो इतना दिमाग रखने वाला आदमी शायद कोई फिलोसोफर होता,
और जब सिकंदर दुनिया फतेह करने निकला तो आर्कमिडीज उस बहुत बड़े फिलोसोफर थे उस जमाने के, उससे वो मिलने गया, कहा कि मैं बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ आशीर्वाद दें और कुछ बताएं। उन्होंने कहा सबसे पहला तो मैं ये है कि मैं जरा धूप सेक रहा हूँ, एक तरफ हो जाओ, मुझे धूप आने दो। ये बड़ी उनकी मशहूर घटना है। और दूसरा उसने कहा कि ये जो दुनिया फतेह करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, जब ये दुनिया बहुत बड़ी है पहले तुम फतेह नहीं कर पाओगे, और अगर सोच लो तुमने फतेह कर भी ली तो फिर क्या करोगे, फिर निराश हो जाओगे। लेकिन सिकंदर के दिमाग में सोच तो वो रहा था, लेकिन ये आई नहीं और वो रुका नहीं और दुनिया फतेह करने निकल गया। और सिंध दरिया से वो जब वापस मुड़ा, क्योंकि उसकी फौजों ने लड़ने से मना कर दिया, तो उसको बुखार हो गया। अब शरीर से सारे प्यार करते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। उसने हकीमों की जो वैद्य थे उनकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे बचा लो, वो नहीं बच सका। और आखिर में उसने क्या किया, उसने कहा मेरे ये दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल दो, ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि ये सिकंदर दुनिया से कुछ नहीं लेके जा सका। दुनिया फतेह करने आया था, लेकिन मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। यही कहानी औरंगजेब की है। वो बहुत बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह था, लेकिन आखिर में उसकी वसीयत देखें, उसने वसीयत क्या की कि मेरी ईमानदारी के, सारी ज़िंदगी में मेरी ईमानदारी के जो रुपए मैंने इकट्ठे किए वो 2 रुपए 4 आने हैं। ये उसकी सारी ज़िंदगी की ईमानदारी की कमाई थी, बाकी उसके महल जो था उसने खुद लिखा कि मैंने जुल्म कर करके इकट्ठा किया है। और होश कब आई, जब उसकी डेथ होने लगी तो उन्होंने कहा ये 2 रुपए 4 आने की मेरे जो मैं टोपियाँ बुन के मैंने ईमानदारी के कमाए हैं, ये इससे मेरी कब्र खोदना, ये जो कब्र खोदने वाले हैं इनको देना, और मेरी कब्र पे कोई दरख्त नहीं लगाना, छायादार कोई दरख्त नहीं लगाना, मेरी कब्र धूप में बनाना, ताकि लोग जान सकें कि एक जो जालिम बादशाह है उसका हशर ये होता है, वो छाया का हकदार नहीं। तो ये इतनी जब अवेयरनेस आती है कभी जिंदगी में तो देर हो चुकी होती है, क्योंकि हमें बदलने के लिए क्या एनवायरमेंट है इसका हमें पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम बदलना चाहते हैं तो हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमने कौन से रास्ते पे चलना है, हमारी ज़िंदगी को कौन बदल सकता है। रास्ता वही बता सकता है। आप भी कभी गुम हुए होंगे, आपने भी रास्ते का कहीं ना कहीं से ढूंढा होगा, और जब किसी ने आपको गलत रास्ता बता दे तो आप कहाँ जाते हैं, आप मंजिल पर नहीं पहुँच पाते। जो आधे घंटे का रास्ता है वो 2.5 घंटे में पूरा करते हैं। हमारे एक देव समाज के माननीय जन थे मोगा के, वो फरीदाबाद आश्रम में गए। रात को उन्होंने सोचा हम मोगा वापस चलते हैं, तो मोगा के लिए फरीदाबाद आश्रम से चले, किसी ने गलत रास्ता बता दिया। सारी रात घूमने के बाद सुबह फिर फरीदाबाद ही पहुंच गए, और उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये तो राउंड गोल गोल ही घूमते हैं, फरीदाबाद ही पहुंच गए। तो ज़िंदगी में ऐसे रास्ते बताने वाले हैं कि सारी उम्र गोल गोल घूमते रहते हैं। हमें असली रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, या मिलते ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का जो गलत रास्ता है वो घर से ही शुरू हो जाता है यहाँ। क्योंकि अगर तो सात्विक जीवनधारी माँ बाप हैं तो हमें अच्छा रास्ता मिल सकता है, अदरवाइज हम वही आदमियों की तरह रिंग रोड पे घूम घूम के उसी निजी जीवन में फिर फंसे रह जाते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि 20 दिसंबर 1850 को एक ऐसा आविर्भाव हुआ जिसने ये ऐलान किया कि मैं इसी दुनिया में स्वर्ग लाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या घोषणा की, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मैं इसी पृथ्वी पर स्वर्ग चाहता हूँ, मैं इस धरती में वह दीन व धर्म लाना चाहता हूँ कि जो इसी दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता। उन्होंने इस पे विश्वास नहीं किया कि जो मेरे सेवक हैं या जो मेरे श्रद्धावान हैं ये पीछे से लिखा के आए हैं, मैं अब इनका कुछ नहीं कर सकता, ये जो इनकी जूनी है इसको भुगतने के लिए आए हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं इसी धरती को स्वर्ग बना दूंगा, जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे भरोसे के योग संबंधी उत्पन्न करता हो कि जिसके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन जाता है, जो इसी जगत में मनुष्य आत्माओं को सत मोक्ष देता हो, मोक्ष अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में मोक्ष की बात भगवान देवात्मा करते हैं, और उच्च चरित्र के ऐसे दर्जे में डालता हो कि जिससे मनुष्य ना केवल किसी अन्य मनुष्य के लिए किंतु प्रत्येक ऐसे जीवनधारी के लिए कि जिससे उनका शुभ संबंध हो पूर्णतः हितकर प्रमाणित हो, और यदि इस प्रकार के उच्च जीवनधारी आत्मा विकसित हों और उनके जीवन से के द्वारा इस प्रकार का खमीर उत्पन्न हो तो उससे जहाँ मेरा मिशन पूरा होगा वहाँ मेरा ये मिशन दुनिया में अपनी विशेषता प्रमाणित करेगा। स्टूडेंट्स को पीछे से उठा के बिठा दीजिए।
क्योंकि भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है तो वो विकास का रास्ता है, अगर मेरे से कटता है तो वो विनाश का रास्ता है। जिसके लिए मैं आपको एक दो घटनाएं बताऊंगी कि कैसे जीवनों में परिवर्तन हुआ। श्रद्धेय पीवी कनल जी का आप सबने नाम सुना होगा, जिनसे सभा शुरू करना, किसी भी जीवन की घटना को, जो घटनाओं से जीवन बदला है, उसके बारे में बताना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। क्योंकि श्रद्धेय पीवी कनल जी वो थे जिन्होंने ये फरमाया कि मेरे माँ बाप के नेक जीवन की मिसाल मैं खुद दे सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के नेक जीवन की मिसाल खुद दे सकते हो। वो कहते मैं अपने माँ बाप के नेक जीवन की मिसाल खुद दे सकता हूँ। वो फरमाते हैं मेरे पिता इतना सच बोलते थे कि कारोबार में उनको घाटा पड़ जाता था सच बोलने के कारण, और मेरी दादी नाराज रहती थी कि इतना सच मत बोलो, थोड़ा जो आपका कारोबार है उसमें कुछ लाभ का सौदा करो। लेकिन कहते मेरे पिता वो नहीं करते थे, इसके लिए हमें कुछ गरीबी के हालात में से भी गुजरना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, और उस एरिया के लोग भी ये मानते थे कि श्रद्धेय पीवी कनल जी के पिताजी कुछ ज़्यादा ही सच बोलते हैं, क्योंकि जो झूठ है वो बहुत काम आता है। लेकिन श्रद्धेय पीवी कनल जी ने कहा कि मैं अपनी मिसाल ये दे सकता हूँ कि मेरे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला। और घर में उनके ऐसा वातावरण था कि उनके पिता महाभारत की जब उनको कहानियाँ सुनाते तो विराग के भाव श्रद्धेय पिताजी के, उनके श्रद्धेय पीवी कनल जी के अंदर अपने पिता से छोटी उम्र में बढ़ने शुरू हो गए। वो कहते मेरे मन में आता कि मैं हिमालय पे चला जाऊँ और कौरव पांडवों की तरह एक सन्यासी बन जाऊँ। कितने बच्चे हैं जिनके मन में ये विचार आए कि मैं बड़ा हो जाऊँ और मैं हिमालय में चला जाऊँ और एक साधु की ज़िंदगी व्यतीत करूँ, कि उनका आइडियल जो था उन्होंने कुछ और बनाया था। उसके बाद वो कहते हैं श्रद्धेय भाई मोहन देव जी, जो देव समाज के बहुत उच्च कोटि के कर्मचारी हुए हैं, उनका घर पास में ही था। कहते खुशकिस्मती से मैं एक स्टूडेंट के साथ उनके घर गया, बाहर ही हम बैठे थे, घर को बाहर ताला लगा था, तो कहते किसी स्टूडेंट ने बताया कि ये ऐसा इंसान है जिसने अपना सब कुछ देव समाज को दे दिया और ये परोपकार का काम करता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उस जमाने की बात है कि वो इंग्लिश बोलता है और बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन सब कुछ छोड़ के उसने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। कहते मेरे अंदर परोपकार का भाव ऐसा ये बात सुनकर मेरे जन्म लिया कि मैं उनकी चौखट ही चूमूं। हम यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं कि क्या किसी महान आदमी की कथा सुन के हमारे दिन में ये आता है कि मैं यही बन जाऊँ, मैं इसी के साथ इसको फॉलो करूँ। तो वो कहते मैं उनको फॉलो करने लगा, उनके साथ रहने लगा, और जवानी का आलम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और परोपकार के में काम करने के लिए कहते भाव इतने जोर के थे, वो उन दिनों MA LLB थी। ये तब की बात है जब उनकी कमाई 2000 रुपया थी। 2000 का मतलब आज का शायद करोड़ रुपया होगा, जबकि मैं बात बताने लगी। तो वो कहते मेरी इतनी इनकम, अगर मैं वह इनकम के ऊपर अपना सोचता तो शायद मेरे बच्चे बाहर पढ़ते, बाहर फॉरेन में पढ़ते, और मेरे घर में बहुत अच्छे हालात हो सकते थे। लेकिन कहते मुझे तो कुछ और दुनिया दिखाई देती थी। उनके ये फिक्रे हैं कि स्वार्थ के लिए जीना मुझे गोबर खा के जीने के बराबर दिखाई देता था। मुझे लगता था कि मुझे इस नरक कुंड से मेरे भगवान निकाल लें। वो कहते उन्होंने ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर मैं स्वार्थी रह के मरा तो मेरी अर्थी रोती जाएगी। ये ऐसे भाव, ऐसे वाक्य जो उन्होंने कहे, ये देश समाज के इतिहास में अमर हो गए। तो उनकी पूजनीय भगवान ने उनको अपने दर पे बुला लिया, और उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो इम्तिहान क्या था? पूजनीय भगवान ने फरमाया कि तुम्हारा गुजारा कितने में होगा। तो आपने क्या फरमाया कि 2000 लेने वाला एक वकील, एक परोपकार की जिंदगी कितनी उसके लिए ऊंची है कि उसने कहा मुझे 10 रुपए चाहिए, और वो 10 रुपए में भगवान देवात्मा के मिशन में काम करने लगे। 100 रुपया उनकी धर्मपत्नी को दिया गया ताकि बच्चे हैं, तो 110 रुपए में श्रद्धेय कनल जी अपनी जिंदगी व्यतीत करनी उन्होंने शुरू की। और उन्होंने लिखा मेरे जीवन में लासानी परिवर्तन हुआ। वो एक कहते मैं पेज नहीं लिख सकता था और मैंने 1000 रुपये की, 1000 पेज की गुरु महाराज जी की जीवनी लिख दी। और जीवनी लिखनी कितनी मुश्किल थी कि किसकी जीवनी लिख रहे थे? देव जीवनधारी देवात्मा की, जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये सोचना कितनी बड़ी बात है कि मैं देव समाज में आऊँगा और गुरु महाराज जी की जीवनी लिखी। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्या क्या काम मिले, उनको कॉलेज चलाने के काम मिले,
उन्होंने दान इकट्ठा किया और इस तरह वो कहते मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई। लेकिन एक बात और भी उन्होंने लिखी है, गरीबी का ये आलम था कि जब दिवाली पे जो बात मेरे दिल को बहुत हमेशा असर करती है कि एक वकील जिसकी आमदनी 2000 थी उसको ये लिखना पड़ा कि दिवाली पे जब दूसरों के बच्चे मिठाई खाते थे तो मेरे बच्चे गुड़ खाते थे, लेकिन फिर भी परोपकार का जीवन उन्होंने प्रेफर किया। लेकिन ये परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उनको भी भाग्य में बहुत कुछ अच्छा भी होता है उनके, तो उनके जो बच्चे हैं वो SP कनल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, और वो कैसा सुपुत्र उन्होंने जन्मा। जैसे मैं कह रही थी ना कि इनहेरिटेंस हमारे साथ आती है, इनहेरिटेंस में हमें गुण मिलते हैं, वो इनहेरिटेंस छोड़ी नहीं जा सकती। अगर एक शैतानी माँ बाप की इनहेरिटेंस शैतान बच्चे पैदा करती है तो सात्विक जीवनधारी माँ बाप सात्विक बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए भगवान देवात्मा ने अपने आदेशों में लिखा है कि बच्चे पैदा करने का हक सिर्फ उनको है जिनका सात्विक जीवन है। जिनके जीवनों में बहुत नीच अनुराग नीच गिरनाएं हैं उनको बच्चे पैदा करने का हक नहीं है। इतनी इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस थी गुरु महाराज जी के सामने। तो वो शरदे SP कनल जी कहाँ पहुंचे, जो पिता एक परोपकार की जिंदगी के लिए कहाँ से कहाँ पहुंचे, वो शरदे SP कनल जी कहाँ पहुंचे कि एंड में उन्होंने अपना शरीर ही दान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं सारी उम्र मैंने पढ़ाने का काम किया, आखिर में मैं चाहता हूँ कि जिस दिमाग से मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देता रहा आखिर में वो मेरे शरीर से नॉलेज ले। और अपना शरीर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। और मैंने पीछे पढ़ा, माननीय मनोज जी ने बताया कि उनकी जो कोठी करोड़ों रुपए की थी वो सिर्फ 18 करोड़ में बेच दी कि मुझे सिर्फ वाइट चाहिए, और वो भी किसी चैरिटी में लगाई, कोई ट्रस्ट बनाया है समाज के लिए, स्कूल के लिए, जिसमें मेजॉरिटी पैसा वहां चला गया। तो इनहेरिटेंस क्या पैदा करती है ये हमें यहां से पता चलता है। भगवान देवात्मा ने चूंकि फरमाया है कि मेरे साथ जो जुड़ता है उससे के जीवन से ये ऐसे फल पैदा होते हैं। वो लिखते हैं जैसे जो शाख दतूरे के पेड़ से जुड़ती है, एक जहरीला पेड़ होता है वो जहरीले फल पैदा करती है, जो अंगूर के साथ जुड़ती है वो अंगूर पैदा करती है, वैसे ही जो आत्मा अपने व किसी और के मलिन हृदय के वृक्ष से जुड़ा है। कि अगर हम किसी उस व्यक्ति के साथ जुड़ गए जिसका नीच जीवन है, वह अपने भीतर अपने और औरों के लिए विषकर और विनाशकारी फल पैदा करता है। और जो आत्मा मेरे साथ जुड़ता है वह देवरस को लाभ करके देवत्व के पवित्र और उच्च अमृत फल पैदा करता है। ये अपने नीच जीवन को देखना आसान नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई है हम बाहर वालों से कर सकते हैं, अपने अंदर से लड़ाई बड़ी मुश्किल है। इसलिए मैं तो कहती हूँ जो देव समाज है ये बहादुरों की समाज है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर कोई व्यक्ति अपना नीच जीवन देख सकता है और इससे युद्ध कर सकता है। अपने नीच जीवन से डर के हम कपड़ों में, कारों में, कोठियों में, डिग्रियों में अपने आप को छुपाए फिरते हैं कि अपने आप को देखने का मौका ना मिल जाए, हम इसमें गुम रहें, हमारे पास खाली वक्त ना हो। क्योंकि खाली वक्त होगा तो इंसान सोचेगा, खाली वक्त के बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं पाते, कुछ अच्छा लिटरेचर भी पढ़ नहीं पाते। तो जब तक हम कुछ अच्छाई को पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो हम दुनियावी चीज़ों के पीछे अपने आप को छुपाते हैं। और जो इंसान इनको देख लेता है, जैसे सुबह की सभा में माननीय पांडे जी ने एक घटना बताई कि श्रीमान नौ सिंह जी, उन्होंने एक किताब लिखी मृत्यु से जीवन की ओर। ये ऐसी किताब है, और भी बड़े बड़े अपनी जीवन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं शरदे श्रीमान नॉर्थ सिंह जी का इसलिए बताना चाहती हूँ कि अपने साथ युद्ध किया। सबने यहाँ पे देव समाज में अपने साथ युद्ध किया। उनका इतने पवित्र आत्मा बन गए जो अपवित्र थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को इतना सताया कि वो कुछ महीनों के लिए तो मृत्यु के बिस्तर पर पड़ गई। लेकिन ऐसे बदले, ऐसा भगवान देवात्मा का एनवायरनमेंट मिला कि उनका जो कठोरता थी वो आंसुओं से सारी धुल गई, और पीछे क्या बचा, एक साफ सुथरा और पवित्र आत्मा। यही नहीं, वो शराफ थे, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। तो शराफ क्या करता है, वो एक टंका लगाता है। शराफ के बारे में मशहूर है कि वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता, माँ के गहने में भी टंका लगा देता है। लेकिन वो ईमानदारी का कहाँ पे आलम चला गया कि सारी जमीन जायदाद बेच के उन्होंने देव समाज को दान कर दी। और जो 22 सेक्टर का करोड़ों का घर है आज देव समाज के पास, जहाँ हमारे वर्कर्स रहते हैं, वो वही श्रीमान नौ सिंह जी का दिया हुआ है।
और जितना समाज देती रही उसी के ऊपर गुजारा करती रही। श्री मनोज सिंह जी वहाँ पहुँच गए। ये एक घटना नहीं, हजारों घटनाएं हैं जो हमें गुरु महाराज जी के जो पवित्र वातावरण है उसकी साक्षी देती हैं, उसके बारे में हमें उत्साहित करती हैं। केसी साहे जी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, वो आजकल हैं, कुछ बीमारी के कारण आ नहीं सके। वो कौन व्यक्ति है? वो इतने मशहूर व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 450 के करीब जो डाकू थे उनको बदल दिया, उनको सरेंडर करवा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो देशमाच के सेवक हैं। वो जंगलों में गए, उन्होंने डाकुओं को की काउंसलिंग की और 450 जो डाकू था वो उसने सरेंडर कर दिया और इनका नाम हो गया। प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ इनके फोटोज आने लगे। ये एक बड़े गांधीवादी विचारों के हैं और गांधीवादी की फिलॉसफी को वो आगे बढ़ाने लगे। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी वाइफ थोड़ी मेंटली ठीक नहीं थी, तो मैं उनके दवाई लेने आगरा में रहते थे, आगरा किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते थे। कहते मुझे दोपहर के वक्त, एज उनकी भी हो चुकी थी 75-80 की उम्र होगी, तो कहते उन्होंने कहा कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई तो मेरी दवाई ला दो। कहते मैं चला गया, सोटी के सहारे मैं गया, बहुत लंबी लाइन थी, मैं सारा जो मेरा दिन था मैंने वही व्यतीत कर दिया। और जब रात होने को थी मैं घर आया तो कहते मेरी पत्नी ने मुझे कहा मुझे दवाई तो मिल गई, अभी तो दवाई मेरे पास 2 महीने की थी। कहते मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इतनी ज़ोर से अपनी वाइफ के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाया। वो कहते मैं भूल ही गया कि ये तो दिमागी तौर से अपाहिज है, ये समझ नहीं पाती, उसकी दवाई संभालने में मेरा रोल होना चाहिए था, वो किसी बीमारी का शिकार है। कहते मुझे आज भी उनकी आंखें दिखाई देती हैं अपनी पत्नी की, जो मेरी तरफ देख के कह रही थी कि मेरा कसूर क्या है, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, तुम्हारा तो करता है, तुम मेरी मदद कर सकते थे। तो अपने साथ युद्ध से वो कहाँ पहुँचे। ये हमारी कोई एक घटना नहीं है, ये तो आम जो देव समाज के जो लोग हैं जो सभाओं में आते हैं उनके जीवनों के बारे में मैंने एक दो आपको घटनाएं बताई। देव समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी देव समाज की शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। भगवान देवात्मा ने जो विभाग बनाए हैं उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग हमारी जो देव समाज की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हैं। और इन इंस्टीट्यूशंस में जो काम होता है वो लसानी काम हो रहा है, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ हम ये सोच के चलते हैं कि गुरु महाराज जी के मिशन को हमने आगे लेके जाना है। और ये सारे जो देव समाज के इंस्टीट्यूशन हैं इसी रास्ते के ऊपर गुरु महाराज जी के जो उनकी नैतिक शिक्षा है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस हॉल ने अनगिनत स्टूडेंट्स की लासानी घटनाएं देखी हुई हैं। वो ऐसी गवाही है कि जो एक बड़ा बड़ा कर्मचारी भी अपने जीवन से वो ऐसी घटनाएं शायद प्रोड्यूस ना कर पाता हो या उस एज में ना की हो। जैसे हमारे यहाँ पे पेरेंट्स डे मनाया जा रहा था, 21 स्कूल का पेरेंट्स डे था, तो वहाँ पे SSP आए हुए थे। वो सारा सुनने के बाद ये कहने लगे कि हम भी यही काम करते हैं जो आपके बच्चे बातें कर रहे हैं कि हमने ये नुकसान किया है या ये हमारे अंदर दोष है, लेकिन कहते हम वो काम नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बच्चे कह रहे हैं ये मैंने भी किया हुआ है, कोई SSP से कलवा सकता है कि मैंने भी चोरी की हुई है, लेकिन मैं आज तक नहीं मानना। ये गुरु महाराज जी की संगत है, गुरु महाराज जी के प्रभाव हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में हम काम हो रहा है उससे बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जिसके पास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कौम जिंदा है, वो कौम उन्नति करने के लिए है। और जिनके पास सिर्फ वो एक लेवल रह जाता है वो तो हम आधे उम्र के बाद तो आधे नीच अनुरागों ने खा ही चुके होते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आधे फेफड़े खाए गए, जो खा लिए वो नहीं काम आएंगे, जो नीच अनुरागों ने आधा शरीर खा लिया वो अब नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब छोटे हृदय बदलने शुरू हो जाते हैं, 9th का बच्चा क्या कहता है स्टेज पे खड़ा होके कि आज मैं पहली बार बताने लगा हूँ कि मैंने अपनी माँ की चोरी की है। ये उसी के क्लासमेट्स बैठे हैं, उसके माँ बाप बैठे हैं, उसके टीचर्स बैठे हैं, SSP बैठे हैं, उसकी प्रिंसिपल बैठी हैं, और एक बच्चा कह रहा है मैंने माँ की चोरी की है और मैं माँ की चोरी करता आया हूँ और मेरी माँ को आज तक मेरे पे शक ही नहीं हुआ। क्योंकि माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों पे शक नहीं करते, और बहुत बाद में जब शक होता है तब उनके पल्ले भी जिसको कहते हैं कुछ नहीं रहता, जब पता चलता कि मेरे बच्चे ने चोरी की है। तो वो कहता कि मैंने चोरी की और मैंने माँ को आज तक नहीं बताया। ये तो मैं आपको आज की बात बताई,
ऐसी एक बात जो घटना घटी वो मोगा स्कूल के एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में घटी जो आज उसकी 80 साल उम्र होगी। मुझे मेरे एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक देशमाजी परिवार 34 सेक्टर में भी है। मैं हैरान हुई कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। मैंने कहा, खुशी भी हुई, मैंने कहा मुझे मिला के लाओ, हमारे कौन से ऐसे धर्म संबंधी हैं जो 34 सेक्टर में इस वक्त भी कह रहे हैं कि वो सतदेव की जय करते हैं जब मैं जाती हूँ, क्योंकि उनको पता है मैं देशमाज इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हूँ। तो कहती है कि मैं जैसे ही उनके पास गई, बड़े जोर से वो बोले, सतदेव की जय। मैंने कहा, हैं तो देशमाज जी, सतदेव की जय। तो कहते मैंने कहा, आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये हमारी टीचर मेरे पास ले आई? वो कहते, जब मैं मोगा स्कूल में पढ़ता था, ये मैं तब की बात बताने लगी, जब मैं मोगा स्कूल में पढ़ता था, मैंने अपनी बहन के 20 रुपए चोरी कर लिए। तो कहते वो, लेकिन जैसे इस बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ को शक नहीं हुआ, उन्होंने कहा मेरी माँ को कभी शक ही नहीं हुआ कि माँ के 20 बहन के 20 रुपए मैंने चोरी किए। कहते एक मेरा छोटा भाई था, वो डांट खाता रहा कि तूने चोरी किए होंगे, और कहता मैं बोला नहीं। कहते करते करते 75 की एज में मेरी माँ मेरी बहन की डेथ हो गई। कहते मैंने तब देव समाज में एक परिशोध वर्ड सुना था कि जब तक हम परिशोध नहीं कर लेते, हम अपने पाप को उगल नहीं देते, हमारी आत्मा साफ नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारी तो अंदर से निकालनी पड़ती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बीमारी अंदर से निकल जाए। तो बीमारी को अंदर से निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं परिशोध करूँ। तो उन्होंने क्या किया, कहते मैंने अपने रिश्तेदार इकट्ठे किए, 80 साल का आदमी रिश्तेदार इकट्ठे कर रहा है, बहन के बच्चे इकट्ठे कर रहा है, और 20 रुपए को जोड़ के आज के हिसाब से माफ़ी मांग रहा है और पैसे वापस कर रहा है। ये देव समाज का एनवायरनमेंट है जो कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा देता है। इसी हमारे कॉलेज की एक बच्ची थी, वो उसने क्या किया, ये बड़ी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसको आप बाहर की दुनिया में मिलेंगी नहीं। मुझे नहीं लगता कोई इंडिया का इंस्टीट्यूशन मुझे ये घटना बता दे कि ऐसी घटना कहीं घटी है। उसने 20,000 रुपए जो उसकी माँ ने उसको कॉलेज की फीस के लिए दिए, उसने वो आके मुझे रात को, क्लर्क का फ़ोन आया, आप बैठे रहे 10 मिनट ही लगेंगे और, कि मेरी, उसने कहा कि मेरी उसको कहते क्लर्क का फ़ोन आया मुझे, उसने कहा कि मैडम ये लड़की का मुझे रात को फ़ोन आया है, ये कह रही है कि मैंने तो तुझे पैसे दे दिए, 20,000 फीस दे दी। मैंने उसको कहा तू घबरा ना, उसको बोल तू कॉलेज आ, मैं कैमरा ऑन करूँगी तो हम देख लेंगे कल तू कितने बजे आई पैसे देने के लिए। तो वो मान चुप कर गई, कहती नहीं नहीं सर मैंने आपको नहीं दिए। तो मैं 3 दिन 2 दिन छुट्टी पे थी, तो वो मुझे स्टाफ ने बताया कि आप जल्दी आ जाओ, ये माँ बेटी आती हैं और बहुत हंगामा होता है, ये जो बेटी है ये माँ के कहने में नहीं है और ये आपस में लड़ती हैं, और माँ रोते रोते बेहोश हो गई। माँ कौन है, माँ एक सफाई करने वाली है जो घरों में जाके सफाई करती है। और मैंने उसको जब बहुत समझाया, और सबसे पहली जो उनके मन को शांत करने के लिए मैंने कहा कि तुम्हारी फीस मैं दे दूंगी, तेरा जो लास्ट सेमेस्टर है ये मैं पूरा करूंगी, क्योंकि तेरी माँ और पैसे जोड़ नहीं सकती, तो तू शांति से रह लेकिन दूसरी क्लासेस लगा। तभी मातृपिता संतान दिवस आने वाला था, हमारे लेक्चर शुरू हुए, श्रीमान जी की सभाएँ शुरू हुई, तो जैसे ही यहाँ पे DPI आए हुए थे, एजुकेशन सेक्रेटरी आए हुए थे, तो जैसे ही वो लड़की एकदम खड़ी हुई कि मैडम मैंने बोलना है, मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या बोलेगी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने कहा मेरे अंदर के भाव हैं, रो रही थी मुझे बोलने दो। वो खड़ी होके क्या कहती है कि वो जो 20,000 रुपया था मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया जो 5 नंबर कॉलोनी में रहता है, और वो अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पैसे वापस नहीं करता, और यहाँ तक कहा कि मेरी माँ के अगर घुटने देखे जाएं वो सफाई करते करते जख्मों से भरे हुए हैं। ये उस बच्चे को कभी नजर नहीं आया, हमारी शिक्षा में हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा क्या था कि वो स्टेज पे खड़ी होके बता रही है कि मेरी माँ के घुटनों पे जख्म है, और मेरी माँ ने शुरू में घर वालों से पैसे नहीं लेती थी कि मेरी बेटी को इंग्लिश सिखा दो, फ्री में उनकी सफाई करती रही। तो वो उसको उसी वक्त DPI ने और एजुकेशन सेक्टर ने कहा हमारे पास लेके आओ, इस बच्चे की कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, इसको नौकरी देंगे। तो ये देशमाज का वातावरण ये क्यों पैदा करता है। और यही नहीं, मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि जब हम ये शिक्षा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो जो हमारे से कभी गलती होती है वो भी नज़र आ जाती है जो शायद वैसे ना आए। तो मुझे, मैं अपने बारे में भी एक बात बताऊँगी जिसका मुझे बहुत दुख है, वो ये है कि हमारे घर में हमारे पिता का बहुत सम्मान है। हम जैसे आप ये कह सकते हैं कि वो दिन में कितनी सांसें लेते हैं मुझे ये भी पता होता है, लेकिन इंसान
काम करते करते बिजी होते होते कई बार ऐसी गलती होती है जिसका बाद में हमें पता चलता है, शायद आपको नहीं पता होगा और आप पिता हैं, आपको समझ भी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो गलती मैंने की है। एक दिन आप खड़े थे, मैंने कहीं जाना था, मैंने इनको कहा कि आप कुंडी लगवा लेना, एज है, मैंने दूर से बोला, आपको सुनाई नहीं दिया। इन्होंने एकदम मेरे से कहा, क्या कहा? तो साथ में सामने मेरे रसोईया आ गया, मैंने इनको पापा को जवाब नहीं दिया, मैंने उसको कहा कि कुंडी लगा ले, ये कह के मैं गाड़ी में बैठ के चली गई। ये आम घरों में आम बात है, माँ बाप पूछते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरे इसने सुन ली, मेरे बच्चे ने सुन ली, बाप ने नहीं भी सुनी तो क्या है। लेकिन गलती का एहसास मुझे गाड़ी में बैठते ही हो गया, तब तक गाड़ी चल पड़ी, और मुझे ये लगा कि इस उम्र में मेरे पिता ने चाहे 10 मिनट के लिए भी सोचा होगा, लेकिन सोचा जरूर होगा कि ये क्या कह के गई, तो मैं क्यों ना पास में बैठ के जाके उनको बता के आई वापस जाके। और उसकी चीज जो थी वो इतनी बड़ी कि मैं मार्केट नहीं गई, मैंने लड़के को बोला कि गाड़ी घुमा, मैं घर जाना है। मैंने अपने रसोइये से पूछा कि पापा ने कुछ पूछा तेरे से? कहते हाँ, वो मेरे से पूछ रहे थे कि अग्नीश जाते जाते क्या कह गई। तो मुझे लगा कि इतना आदमी का घमंड की बात ही है ये, कि ये एक बाप को फिर वो बात पूछने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़े कि ये पिता कि ये क्या कह के गई थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं चाहती कभी कि उनके उनसे के पास से वो हवा भी गुजरे जो उनको पसंद ना हो। तो मुझे लगा कि आज मैंने ही ये इतनी बड़ी बात कर दी, उसके लिए मैं आज भरी सभा में आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये मैं महसूस कर रही हूँ कि ये बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज में ये समझा जाता है कि माँ बाप कोई बात नहीं, माँ बाप को बार बार थोड़ो बताया जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि एक बात बताने के लिए माँ बाप ने हमें हजारों बार बोला होगा, लैंग्वेज सिखाने के लिए मेरे पिता ने मुझे हजारों बार बोला होगा, लेकिन वो जब बहुत बड़े हम समझते हमें काम बहुत हैं, अरे पिता को बात बताने से ज़्यादा भी काम है, वो क्यों ना पास में जाके बताया गया। शुक्र करो कि ये बात मुझे अभी समझ आ गई, कुछ मिनटों में समझ आ गई, अगर उनके जाने के बाद समझ आए तो सारी उम्र का पछतावा हाथ में है। जैसे एक बच्ची ने यहाँ स्टेज पे कहा था कि मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी और जब मेरा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता वो बीमार हो जाती, ये मुझे हमेशा उसकी बात याद रहती है। तो कहती मेरी बीएड की एडमिशन थी मैडम, मैंने आना था तो मेरी माँ फिर पीजीआई चली गई, स्ट्रेचर पे लेटी थी। कहती मैंने इतने उसको गुस्से से कहा कि मेरी साल का बात है, तूने आज का दिन भी सब्र नहीं किया, आज का दिन तो बीमार ना होती। तो कहती जिस माँ के गुणों को सामने ला के, उपकारों को सामने ला के मुझे हाथ जोड़ने चाहिए थे, वो माँ मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। वो बैठी बैठी स्ट्रेचर पे लेट के उसने हाथ जोड़ दिए कि बेटा मुझे माफ कर दे। और उस पेरेंट्स डे पे उसने कहा कि एक महीना हो गया मेरी माँ नहीं रही, अगर ये शिक्षा मुझे पहली मिलती तो आज मेरी माँ, मैं ग्रेटिट्यूड के साथ उसको भेजती। कहती लेकिन मैंने कैसे भेजा, मैं खुश हुई कि बचपन से लेके आज तक कभी माँ को सेहतमंद तो देखा ही। तो ये क्या ये चेंज कहीं और आ सकती है, किसी और इंस्टीट्यूशन में आ सकती है? ये मैं दावे के साथ आज कह सकती हूँ कि ये देव समाज के इंस्टीट्यूशंस में, भगवान देवात्मा के एनवायरनमेंट में ही ऐसी चेंज आ सकती है, क्योंकि ये ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो भी जन स्वाद अनुराग है, नशा अनुराग है, उससे जख्मी है, उनका इलाज होता है, उसके बाजू पकड़ती है देव समाज, उसको डी एडिक्शन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। वो एक एक इंसान इतना बहादुर हो जाता है कि श्रीमान अनोक सिंह जी की कथा आपने सुनी होगी कि अफीम छूटती है कहीं किसी से, तो उन्होंने अफीम से क्या होता है, जिस्म बहुत टूटता है मैंने सुना है। तो कहते जैसे ही उन्होंने एकदम से अफीम छोड़ दी, क्योंकि भगवान देवात्मा का सेवक कौन बन सकता है जो पापों से मुक्त हो, जो ये ऐसे नशे ना करता हो, तो कहते मेरा जिस्म टूटने लगा, मैं बीमार रहने लगा। तो कहते मेरे बच्चों ने कहा कि पिताजी इतना जिस्म टूट रहा है, धीरे धीरे करके छोड़ लो। तो कहते मैंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है,
आप लोग एक बहादुर बाप के बच्चे कहलाओगे अगर मैं अफीम छोड़ते छोड़ते मर गया। आप कहोगे कि हमारा पिता इतना बहादुर था कि वो अफीम छोड़ी और यहाँ पहुँच गया। लेकिन ये आम आम बाहर की दुनिया में ऐसा बड़ा मुश्किल है। काउंसलिंग होती है, डिडिक्शन सेंटर्स में जाते हैं, यहाँ तो एकदम में नशे छूट जाते हैं, एकदम में पापी जीवन अच्छा हो जाता है। और यही नहीं, जो संतान अनुराग की मैं माँ बाप की बात कर रही थी, संतान अनुराग भी इतना खतरनाक रूप धारण करता है कि छोटे बच्चे की कभी देखे किसी माँ बाप के, किसी छोटे बच्चे की डेथ हो तो माँ बाप का क्या हाल होता है। ये लाजमी भी है क्योंकि एक संबंध ऐसा है। लेकिन देव समाज ने कहाँ पहुँचा दिया कि बड़े पंडित जी श्रद्धे पंडित जी जो गुरु महाराज जी के बड़े सुपुत्र थे, उनके छोटे बच्चे ने दवाई जो शाही पी ली, जो स्याही होती है हम जिससे लिखते हैं, जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे जीवनों में हमारी योग्यता के अनुसार बेहतरी आती जाएगी। और जैसे ये लास्ट में भजन गाया था कि तेरे असरों से बाहर चले जाएंगे, दिल के उच्च बलबले सारे मर जाएंगे, तो मेरी अपने लिए भी यही प्रार्थना है कि हम इस वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और लाभ पाएँ। और आप लोगों के लिए भी यही प्रार्थना है कि ये इसमें हमारा जीवन और निखरे और इस एनवायरनमेंट की महत्ता को हम समझ सकें। बहुत बहुत कल अभी शाम को भजन रहते हैं चार कि तीन, अभी करवा लें तीन, तीन भजन है तो वो कौन, वो स्याही पी ली, पीने के बाद क्या हुआ, वो जहर तक डेथ हो गई। अब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने कि आप ऐसा करो, मोगा सत्संग है वहाँ चलते हैं। तो श्रद्धे पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी उसी दिन ये छोड़ के मोगा आ गए और सत्संग में बैठने लगे। कहते ये दुख हमें निकलने नहीं देगा, ये लोग हमें चैन से जीने नहीं लेंगे जो रात को शाम को अफसोस करने आते हैं। ये एनवायरनमेंट छोड़ो, भगवान देव आत्मा के एनवायरनमेंट में पहुंचो और तुम्हारी आत्मा बलवान होगी। और वो वहां पहुंच गए। श्रद्धे पीवी कर्नल जी के भी एक बच्चे की डेथ हुई थी जब वो दान इकट्ठा कर रहे थे बॉम्बे में, और वो छोटा सा बच्चा था जो बीमार था। तो पंडित श्रद्धे पीवी कर्नल जी कहते हैं मैं अपने लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, पंडित जी का बहुत इलाज हो रहा था, उनके लिए दवाइयाँ आ रही थी, उनका हालचाल पूछने के लिए गुरु महाराज जी खत डालते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। गुरु महाराज जी ये नहीं कि सोलन से लाहौर पहुँचे हों, उन्होंने वहीं पे बैठ के एक शुभकामना की चिट्ठी लिखी और अपने सेवक को भेजा कि वहाँ उनकी श्राद्ध की सभा पे ये चिट्ठी सुना देना, मेरा भाव प्रकाश पढ़ देना कि मेरा बहुत योग्य पुत्र की आज डेथ हुई है, जिनके ऊपर गुरु महाराज जी को बहुत आसरा था, लेकिन खुद नहीं गए कि मैं जो आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ ये मैं काम छोड़ के नहीं जा सकता। और अपने शिष्यों को भी यही सलाह दी। श्रद्धा श्रीमान गुरवंत सिंह जी की मैं बात बताना चाहूँगी कि वो उनके पिताजी बीमार थे, उन्होंने गुरु महाराज जी से इजाजत ली, गुरु महाराज जी की पर्सनल सेवा में लगे हुए थे कि मैं पिता की सेवा करने जाना चाहता हूँ। लेकिन शब्द श्रीमान गुरवंत सिंह जी के पिता उनसे पिताजी श्रीमान जी से नाराज थे कि वो एक वो जीवन छोड़ के देव समाज में आ गए, उन्होंने उनकी सेवा एक्सेप्ट नहीं की और श्रीमान जी वापस गुरु महाराज जी के पास सोलन आ गए। तो गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अपने बाप की सेवा छोड़ के कभी ना आते, वही बैठे रहते जब तक हमारे पिता हमें सेवा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। और जैसे ही उनके पिताजी ठीक हुए, श्रीमान जी फिर चले गए, तो वो फिर वापस आ गए और एक खत मिला, मैसेज आया कि श्रद्धे श्रीमान गुरवंत सिंह जी के पिता की डेथ हो गई। तो श्रीमान जी ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरे पिता की डेथ हो गई है, जो गुरु मुझे सेवा करने के लिए भेज सकता है वो गुरु मुझे संस्कार के लिए भी भेजेगा। तो जैसे ही वो उनके पास गए तो उन्होंने क्या फरमाया गुरु महाराज ने कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कभी ना जाते, अगर तुम्हारे वहाँ पे उनको लास्ट अग्नि देने के लिए और जन नहीं है तो तुम जाओ, अगर तुम्हारे दूसरे जन घर के उनका संस्कार करने के लिए हैं तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना चाहिए, यही काम करना चाहिए। और वो तो उनके श्रद्धावान शिष्य थे, उन्होंने अपना सामान खोल लिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो गुरु महाराज जी हमें कैसी शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा को समझने के लिए इसी एनवायरनमेंट की जरूरत है। और ये बंधनों से हम कितना ऊंचा उठ जाते हैं कि आपने, मैं आपको बाहर की एग्जांपल सुना रही हूँ, मैं आज अपने पिता माननीय श्रीमान हमारे सेक्रेटरी देव समाज की एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि ये बंधन बहुत हैं। श्रीमान जी का अपनी धर्मपत्नी जानी मेरी मदर के साथ वो संबंध था कि वो अपने बारे में लिखती हैं कि ये ऐसे मेरे पति हैं कि पति से दुख कैसा मिलता है मुझे ये पता नहीं। और जब उनकी अचानक डेथ हुई
पापा ने 3 घंटे उसी इमरजेंसी में मामा के लिए लास्ट साधन किया और किसी को रोने नहीं दिया। लोगों ने जो इमरजेंसी थी उसको इमरजेंसी के पेशेंट लेने मना कर दिए कि यहाँ पे कोई सेंट प्रार्थना कर रहा है। क्या कभी हुआ है बाहर की दुनिया में? क्या रोना शुरू हो जाता है? क्या कुछ शुरू हो जाता है? जहाँ हमें सांत्वना दी वहाँ खुद बैठ के 3 घंटे प्रार्थना की और वो सडन डेथ थी, कोई प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो ये कहाँ कुरुमाराई ने पहुँचा दिया। और फिर उनके श्राद्ध की सभा भी खुद करवा दी और 4th दिन सभा करवा दी कि जितना लंबा करते हैं उतना तुम्हारी मेरे बारे में कि तुझे तकलीफ हो रही है, लोग आ रहे हैं, इसको जल्दी करते हैं। तो ऐसी सभा थी कि उन्होंने खुद ही श्राद्ध की सभा करवा दी और हमें भी इस दुख में निकालने में मदद की। तो भगवान देवात्मा यहाँ हमें ले जाना चाहते हैं, यहाँ हमें पहुँचाना चाहते हैं। अपना अगर इनहेरिटेंस में कुछ भी योग्यता है, इसीलिए उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है अपने सारे धर्म ग्रंथों में अधिकारी आत्माओं के लिए। ये अधिकारी आत्मा कौन है? जिनको इनहेरिटेंस में अच्छी पूंजी मिलती है, जो इस पूंजी को गुरु महाराज जी के एनवायरनमेंट में बदल सकते हैं, ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए श्रद्धे श्रीमान निर्मल सिंह जी कोहार वाला ने अपनी धर्म पत्नी को कहा था कि देव समाज छोड़ के ना जाना, चाहे यहाँ के गेट के कुत्ते ही तुम्हें हटाने पड़े वही हटाते रहना, लेकिन देव समाज को ना छोड़ना, इसी में भलाई है। और अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि देव समाज के वातावरण में कुछ नहीं रखा तो ये समझना कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है, इस पे ना जाना। श्रद्धे श्रीमान परमेश्वर दत्त जी ने भी ऐसा किया है, उनको ये जीवन इतना उन्होंने यहाँ पे आके अपनी इस जीवन की महानता पाई कि उन्होंने लिखा कि मैं हर तरह देव समाज में रहना चाहूँगा, चाहे देव समाज उन दिनों कुछ तंगी के हालात में से निकल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर देव समाज मेरा गुजारा नहीं कर पाती, मुझे नहीं कुछ दे पाती, मुझे खाने पीने कपड़े के लिए नहीं दे सकेगी, तो मैं थोड़ा सा काम अपने लिए करूँगा, बाकी समय देव समाज में लगाऊंगा। अपने इलाज के लिए मैं खैराती हॉस्पिटल में यानी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लूँगा, मैं देव समाज छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं गुरु महाराज जी कि जो एनवायरनमेंट तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा है उसी एनवायरनमेंट में हमारी ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ आने के बाद इस एनवायरनमेंट में आने पर जो 5-6 बातों से हमें बहुत निजात मिलती है, वो एक मिथ्या विश्वास हमारे छूट जाते हैं, हमारा जो दिमाग है वो फ्री हो जाता है। एक मिथ्या विश्वासी सारा दिन जो भ्रम है वहम है उनमें पड़ा रहता है, हमें वहम ही कोई नहीं है। ये कितनी बड़ी गुरु महाराज जी ने आज़ादी दिला दी, पाप जीवन कट जाता है, नीच अनुराग और नीच घृणाओं से जितनी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति है उतना हमें निजात मिलती है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा परोपकार का फील्ड खुल जाता है और वो परोपकार कैसा है जिसमें आत्माएं बदलती हैं। परोपकार लोगों ने किया है, शारीरिक किया है, मानसिक किया है, लेकिन आध्यात्मिक परोपकार सबसे बड़ा है जिसके अंदर सारी सोसाइटी में चेंज आती है, उस एनवायरनमेंट हमें वो मिलता है। और इससे भी ऊपर हमें परशोध जिससे हमारी आत्मा धुल जाए, हमारे पाप धुल जाए, वो एनवायरनमेंट दिया है कि हम हल्के हो जाते हैं, हम आगे से बेहतर इंसान बनते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा सर्वांग हित करते हैं, तो हमें नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है।